हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। सबसे पहले मेरी तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ बहुत ही शुभ पौधों से, जो दिवाली पर घर पर लेके आएंगे तो बहुत ही चमत्कारी की दो पौधे हैं। ये सामने आपको दिख रहा है, ये विष्णु कमल जी हैं। ये देखिए, ये विष्णु कमल का पौधा है। बिल्कुल ये छोटा सा पौधा होता है। ये देखिए, ये गिलास टाइप अपने पास जो भी पॉट छोटा सा होगा उसमें भी आराम से चलेगा। इसको ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसकी मिट्टी बिल्कुल लगे सूखने वाली है तो इसको पानी देना है। ये देखिए, ऐसे ही इसमें मिट्टी आप भर लेंगे। ड्रेनेज होल आपके पॉट में ज़रूर होना चाहिए और इसको एज इट इज़ जैसे नर्सरी से लेके आएंगे ऐसे ही इसमें रख देंगे। दोस्तों ये बड़ा आराम से चलेगा क्योंकि मिट्टी इसके चारों तरफ लगी हुई है ऑलरेडी। और इसको ऐसे ही घर पे लाके आप इसमें लगा सकते हैं। नहीं आपको लगाना आता तो आप नर्सरी से भी लगवा के लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों ये चमत्कारिक पौधे आपको दिवाली पे अपने घर के लिए सुख समृद्धि के लिए घर में ज़रूर लेकर आने हैं। ये बहुत शुभदायी पौधे होते हैं दोनों। ये विष्णु कमल ये आपके सामने है, ये देखिए हम लेकर आए थे नर्सरी से और ये हमने पॉट में लगा दिया है। दोस्तों ये ऐसे साइड की मिट्टी को अच्छे से दबा के रखें। इसमें ऊपर जगह नहीं छोड़नी आपने। बाय चांस आप नहीं पानी दे रहे, कोई और दे रहा है तो पता नहीं चलेगा, वो ज़्यादा पानी देगा और पौधा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मिट्टी को बिल्कुल ऊपर तक भर के रखें, इसको स्प्रे से ही पानी दें आप, ताकि ओवर वाटरिंग से ये पौधा ख़राब हो जाता है। पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये सेकंड है, ये लक्ष्मी कमल है। ये देखिए दोस्तों, ये मैं बहुत भरा हुआ पौधा लेके आई हूँ। बीच में एक है, ये साइड में ये बेबी देखिए प्लांट इसके निकले हुए हैं। इससे हम एक एक पौधा निकाल के बहुत सारे ये लक्ष्मी कमल हम घर पर तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये पौधा लिया जिसके चारों तरफ से ये भरा हुआ था। दोस्तों ये देखिए, ऐसे ही ये 15-16 प्लांट इसके साइड में छोटे छोटे ये कमल निकले हुए थे। ये बहुत सारे हमारे पास, ये देखिए ऐसा होता है सिंगल ये लक्ष्मी कमल। ये देखिए इतने सारे इसके साइड से जो निकल गए, हम बहुत सारे पौधे इससे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें भी किसी ने बताया कि ये दोनों पौधे बहुत शुभ कार्य हमारे लिए होते हैं, दिवाली पे हमें ज़रूर लेकर आने चाहिए। ये इन्हें पौधे खाली पौधे ना समझे दोस्तों, ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का स्वरूप माने जाते हैं और ये घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है अगर इन्हें हम दिवाली पर अपने घर में स्थापित करते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी अहम जानकारी थी जो आप लोगों तक पहुँचानी थी। तो प्लीज़ आप भी इन दोनों पौधों को घर पर ज़रूर लेकर आइएगा और बहुत सारा ध्यान रखिएगा ताकि पौधा आपका ख़राब ना हो। ये देखिए दोस्तों, और दिवाली की अगेन आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए, ये हमारे दोनों पौधे लगकर तैयार हो चुके हैं। दोस्तों ये मिट्टी ऊपर तक इसको लगा देनी है। ऐसे ही ये साइड में जो छोटे छोटे और कमल के जो हमारे छोटे बेबी प्लांट निकले हैं उनको भी हम इसी में एडजस्ट करेंगे दोस्तों। तो बहुत सारा ये देखिए, ये तैयार हो चुका है। और इसके बाद छोटे छोटे जो बेबी प्लांट थे उनको भी लगाने की अगले उसमें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये दूसरा हम लगा रहे हैं। और दोस्तों बहुत सारा ध्यान रखिए खुद का, क्योंकि ज़िंदगी एक आईना है और ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। तो खुद का बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर अच्छी लगी दोस्तों तो पौधों को ज़रूर लेकर आइएगा और सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा और बने रहिएगा हमारी वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये सारे जो छोटे छोटे बेबी प्लांट हैं ये भी आपके सामने लगा कर दिखाने वाले हैं। दोस्तों ऐसे ही आप भी अपने घर में कोई भी प्लांट लेकर आइए और शिद्दत से उसकी देखभाल कीजिए, लगाइए। प्रकृति से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। खुश रहिए हमेशा, क्योंकि आपकी खुशी ही आपके लिए मायने रखती है। ये देखिए, ये भी लगकर तैयार है। तो दोस्तों देखिए लक्ष्मी कमल के कितने सारे प्लांट हमारे पास रेडी हो गए हैं। एक ही प्लांट हम लेकर आए थे, ये बेबी प्लांट वाला था साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।